Hello everyone, this is Ruby and you're watching my channel Ruby Share Our Talk. Welcome back to the new haul video. आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इंद्रलोक थर्सडे मार्केट का एक और लेटेस्ट हॉल वीडियो. ठीक है, पिछले वाला जो वीडियो था मैंने अभी हाल फिलहाल पिछले हफ्ते डाला था, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, थैंक यू सो मच. ठीक है, और होपफुली आज की वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा. आज के वीडियो में मैंने सब कुछ मिक्स एंड मैच करा है, आपको आज की वीडियो में सब कुछ देखने को मिलेगा, पर्स भी, सैंडल भी, इयररिंग्स भी, वेस्टर्न ड्रेस भी, एथनिक भी, सब कुछ आज की वीडियो में होगा. तो बिना देरी करे शुरू करते हैं, स्टे ट्यून विद मी. हॉल की जो पहली ड्रेस है वो ये है जो मैंने पहनी हुई है, आप मुझे देख सकते हो. ये आज की ड्रेस में इकलौती मेरी वेस्टर्न ड्रेस में दिखाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत वेस्टर्न ड्रेसेस आप लोगों को दिखा चुकी हूँ. तो ये फर्स्ट में जो आपको दिखा रही वेस्टर्न ड्रेस, ये कुछ डंगरी वाले लुक में है ऐसे. ये टी शर्ट मैंने अलग लिया है और ये ड्रेस मैंने अलग से परचेज करी थी. ठीक है, आप देख सकते हो पूरा, मैं आपको टर्न होकर दिखाती हूँ. पीछे से ऐसा लुक है इसका और फ्रंट ऐसे है. मुझे पर्सनली इस टाइप की ड्रेसेस बहुत पसंद है, कंफर्टेबल होती हैं और इजी होती है, आराम से कैरी करो, पहनो आराम से. इसके साथ आप स्पेगडी टॉप भी पहन सकते हो, मुझे ये अच्छा लग रहा था तो मैंने पहन लिया. ये जो टी शर्ट है ये मैंने लिया था गोल्डी भाई की शॉप से. ठीक है, और ये मुझे 100 रुपीज़ का मिला था, जैसे कि वहाँ के रेट्स हैं. दो पार्टीशन में रहता है, एक एथनिक और एक वेस्टर्न, तो ये मैंने वहीं से लिया था गोल्डी भाई की शॉप से. और ये जो ड्रेस है ये मैंने गली नंबर 3 से ली थी, वो वाले भैया वीडियो नहीं बनाने देते, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, उनके पास से ली थी. ये मुझे 200 की पड़ी थी ये ड्रेस, हालांकि भैया ने रेट ज़्यादा बोले थे पर मुझे 200 की. ये जीन्स का फैब्रिक है, पास से देखो आप. ठीक है, जीन्स का फैब्रिक है ये और ये हॉजरी है, बहुत कम्फर्टेबल. हॉल की जो दूसरी ड्रेस है वो ये है, सूट है, एथनिक में है और बिल्कुल मलमल वाला कपड़ा है यार, इस फैब्रिक को मैं क्या बोलूं. इसके ऊपर ना इस तरह की ये काम है, देखो आप देख सकते हो पूरा ऐसे थ्रेड वर्क हो रखा है, एकदम लखनवी चिकनकारी वाला लुक है. इसकी 3/4 स्लीव्स हैं और बैक साइड से ऐसे. बाकी ना मैं आपको पहन के दिखाती हूँ कैसा लगेगा मेरे पे, तो देख सकते हो मैं कैसी लग रही हूँ, फुल उसमें हूँ मैं. ठीक है, फुल मैच कर कर आई हूँ, पूरी कोशिश की है. और ये मैंने कहाँ से क्या क्या लिया है वो आपको मैं भी बताती हूँ. ये वाली कुर्ती आपको जैसे मैं दिखा चुकी हूँ बहुत ही कंफर्टेबल है, बट थोड़ी लूज है, मैंने पीछे एडजस्ट किया हुआ है इसको, मैं दिखा नहीं रही हूँ पर मैं एडजस्ट किया हुआ है, तो ये थोड़ी मुझे लूज है यहाँ से, वो मैं बाद में स्टिच करा लूँगी. और स्लीव्स भी इसी वजह से हल्की थोड़ी लूज आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि थोड़ा बड़ा साइज लिया था मैंने, पर मुझे ये चाहिए थी तो मैंने खरीदी. जैसे कि मेरे हाथ में आप रिंग्स देख सकते हो ये. ठीक है, नेल्स को प्लीज अवॉइड करना, इग्नोर कर देना, अवॉइड नहीं इग्नोर कर देना, सिर्फ रिंग्स पे ध्यान दो, मैंने ऐसे कर लेती हूँ हाथ. ठीक है, ये मैंने इंद्रलोक मार्केट से लिए थे और ये गली नंबर 6 में एक भैया लगाते हैं, अभी भी लगा ही रहे हैं वो, पर वो थोड़ा लेट लगाते हैं, उनसे ली थी ये मैंने 20 रुपीज की. ठीक है, वहां से. और ये मैंने वहीं से ही, आप देखिए व्हाइट कलर के हैं, ये भी मैंने 50 रुपीज का पूरा पेयर लिया था. ठीक है, इंद्रलोक से ही मैच हो रहा है ना मेरी ड्रेस से, तो मैंने इसलिए पहना है. और साथ में ये देखिए चांद बालियां ये मेरी चांद बालियां, वही वाला है, ये गाना मेरे सूट करता है. ये भी मैंने इंद्रलोक से ही लिया था, पूरा मैच करके इसलिए मैंने पहना है. गले में भी पहन सकती थी लेकिन वो कुछ ज्यादा ओवर हो जाता. ठीक है, मैं ऐसा पहनती नहीं हूँ बट अच्छा लग रहा था तो मुझे मैंने, बताना मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में कैसी लग रही हूँ मैं. ठीक है, जरूर जरूर जरूर. और मेरी स्लीपर देखिए आप, पहले पास से दिखाऊं, ये है वो स्लीपर जो मैंने अभी पहने हुए थे, देखो आप पास से. ठीक है, डॉक्टर सोल वाले हैं, आपको समझ में भी आ रहा होगा. ये भी मैंने सेम इंद्रलोक से लिया था, जो डिस्पेंसरी के सामने लगाते हैं एम ए फुटवेयर वाले भैया, उनसे लिया था और ये तब 100 रुपीज की सेल चल रही थी. और ये मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, अब 250 की चल रही है, मेरी गलती नहीं है, मैं बोलती हूँ आप लोगों को ले आ करो, तब मैंने ले लिया था, ये मेरे साइज में मुझे मिल गए थे. ठीक है, तो ये वहीं से लिए थे, आपको समझ में भी आ रहा होगा, एकदम मैंने अभी तक पहने नहीं है ये. हाँ, तो इसके बारे में बताती हूँ मैं आपको. ये जो कुर्ती है ये मैंने ली थी सचिन भाई की शॉप से. ठीक है, जो सबा नर्सिंग होम वाली गली में मैं दिखाती हूँ ना, जो 200 रुपीज की कुर्ती देते हैं, ये वहीं से ली थी और मैंने 200 रुपीज की ही ली थी. सेम रेट में ही हमें भी मिलती है. ठीक है, कोई डिस्काउंट नहीं होता है अगर एक कुर्ती ले रहे हैं अगर आप तो. ठीक है, फुल लेंथ में है, बस लिटिल बिट लूज पर नो इश्यूज. बड़े साइज को छोटा किया जा सकता है, छोटे को बड़ा करना प्रॉब्लम है. ठीक है, आपकी इच्छा है अगर इस सूट के साथ दुपट्टा कैरी करने की तो आप कर सकते हो. मेरे को लूज है तो मैं तो ऐसे ही पहनना पसंद करूंगी, पर दुपट्टे के साथ कैसा लगता है
ये वाइट मेरे पास कॉटन का दुपट्टा था, तो मैं आपको पहन के दिखा रही हूँ कि कैसा लगेगा, कैसे लूँ, ऐसे ही लेके दिखाती हूँ आपको। हाँ देखो, सब मैच करके मैंने पहना हुआ है, सब कुछ, इवन पर्स भी मैंने अपना मैच करके लिया हुआ है। ठीक है, हॉल में जो नेक्स्ट मैं लेकर आ रही हूँ वो ये है पर्स। ठीक है, देख सकते हो आप, हालांकि मैं इसे यूज कर चुकी हूँ काफी बार, पर दिखा रही हूँ क्योंकि ये भी मैंने इंद्रलोक से ही लिया था। और ये किस ब्रांड का है, इस पे तो कहाँ पे मेंशन है, इसकी चेन पे तो मेंशन है नाम, ठीक है, और पर्स के अंदर मेंशन है। कैसे दिखाऊं आप लोगों को ब्रांड का नाम, मैं बोल देती हूँ, टेम्पटेशन ब्रांड का है ये। ठीक है, और ये जितने इंद्रलोक में जो रेगुलर जा रहे हैं उन्हें पता होगा, ये मेट्रो स्टेशन के नीचे, बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के नीचे लिफ्ट जहाँ पे है ना, उसके बिल्कुल सामने एक आंटी लगाती हैं दीदी, वो देती हैं इस तरह के बैग्स। ये मुझे उन्होंने तो रेट खैर ज्यादा बताया था, मेरे को ये 150 की रेंज में मिला है और बहुत ही अच्छा है, मस्त चल रहा है। इसमें दो जिप्स हैं ऐसे, अभी खाली मैंने करके दिखाया है, ठीक है, दो इसमें ये हैं, बहुत अच्छा खासा स्पेस है दोनों में ही, और साथ में ऐसे स्लिंग्स भी है, ठीक है, एडजस्टेबल है, तो आप चाहो तो वैसे भी लेना चाहो तो ऐसे ले सकते हो, और अगर ऐसे लेना है तो ऐसे ले सकते हो, नहीं तो आप ऐसे ले सकते हो, जो मन करे वैसे ले सकते हो। हॉल की जो नेक्स्ट ड्रेस है वो ये कुर्ती है क्रीम कलर की, ठीक है, और मैं आपको ब्रांड दिखाती हूँ इसकी, ओरेला ब्रांड की है ये, ठीक है, और इसकी 3/4 नहीं है, एल्बो टाइप स्लीव है, 3/4 भी है लेकिन इसमें ऐसे लूपी दी हुई है, तो आप पहन सकते हो। बाकी मैं इसे पहनकर दिखाती हूँ कैसी लगती है, देख सकते हो कुछ इस तरह से मैं लग रही हूँ इस ड्रेस में, पूरी प्योर, इसे मैं कुर्ता कहूंगी, बिल्कुल कुर्ते वाला लुक है, ठीक है, ऐसा नेहरू गला है। इस गले को क्या कहते हैं, मैं नेहरू गला बोलती हूँ, इसका कोई और नाम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। इसके यहाँ तक की स्लीव्स हैं, मैंने इसे फोल्ड किया हुआ है और इसमें ऐसे लूपी आई हुई है, ठीक है, दिख रही होगी आपको दोनों साइड में। कंफर्टेबल है कपड़ा, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है, पूरा सेंटर में ऐसे बटन दिए हुए हैं ब्लू कलर के, और आगे एक छोटा सा स्लिट है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसके साथ मैंने पजामी पहनी है, पैंट भी पहन सकते हैं, मैं पैंट भी पहनती हूँ ब्लू कलर की, अपने हिसाब से, बिल्कुल कुर्ती वाला लुक है ये, मुझे यहाँ से लूज है और मैंने इसे ना पीछे क्लिप से एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी आ गई थी ये साइज में तो मुझे थोड़ा सा इसे एडजस्ट कराना है, बाकी आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी अब हम रेट की बात करें, मैंने जो इसके साथ एक्सेसरीज पहनी ये सब कुछ इंद्रलोक से लिया है। रेट वाइज अगर मैं बात करूँ सबकी, पहले मैं कुर्ती से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। ये मुझे मिली थी गली नंबर 6 से, जो 300 रुपए वाली कुर्ती वाले भैया की शॉप दिखाती हूँ मैं, उनसे नहीं ली थी, उनके बिल्कुल जो सामने उन्हीं के भाई टेबल पे लगाते हैं ना, उनसे मैंने ये ली थी। वहां पे हमेशा सेल चलती है, 100, 150, 200 ये सेल चलती है, वहां से मुझे 100 में मिली थी, भाई मेरा लक मुझे उस दिन मिल गई थी, एवरी वीक जाने का फायदा हमें मिलता है, ठीक है। ये मुझे वहीं से मिली थी, कंफर्टेबल तो है ही है, और साथ में ये तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ रिंग्स, ये मैंने ली थी बैंगल्स 50 रुपीज की, 12 बैंगल्स मिली थी मुझे ये, ठीक है। और ये जो भैया हॉकर्स पे घूमते नहीं रहते उनसे ली थी मैंने, ये कहीं पे भी मिल जाते हैं। उसके साथ ये मैंने ब्रेसलेट लिया है, ये मुझे 30 रुपीज का पड़ा था, ऐसे एडजस्टेबल है ये, ठीक है, इसे हाथ में पहन सकते हैं आराम से। साथ में मैंने ये लिए थे झुमकीस, जिसपे मोर ऑलरेडी बना हुआ है, जो कि मेरी ड्रेस के साथ मैच हो रहा है फिलहाल, ठीक है। ये मुझे 20-20 रुपीज के पड़ गए थे, छन छन भी कर रहे हैं, अगर आप सुन पा रहे हो गए आवाज तो छन छन करते हुए, पायल पहनने की जरूरत नहीं है ये सब। अगर किसी को दुपट्टा पहनना है, अगर किसी को, मुझे नहीं पहनना है पर मैं आपको दिखा देती हूँ कुर्ते के साथ दुपट्टे का कैसा लुक है, कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कुर्तों के साथ स्पेशली ये पहनना, ठीक है, लूज लूज होते क्या जरूरत है यार गर्मी में ये सब कैरी करने की, लेकिन कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताना, कौन सी चीज कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए इसी के साथ मैं अपना आज का ये वीडियो यही एंड करती हूँ, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलेगा, और कमेंट करना भी मत भूलेगा कि क्या क्या आपको क्या क्या अच्छा लगा, और क्या आपको भी वो चीजें उतने ही रेट में उस मार्केट से मिलती है, और नेक्स्ट टाइम आपको मेरा किस तरह का हॉल चाहिए वो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट हॉल वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर, टाटा।